Every pregnancy needs utmost care and attention. But certain pregnancies need a little extra attention. An Rh negative mother carrying an Rh positive baby is at increased risk of complications. BSV is at the forefront to ensure safe delivery in every Rh negative pregnancy. मैच विश्व कप का भारत बनाम साउथ अफ्रीका और ये मुकाबला आसान होने नहीं वाला। एक टीम साउथ अफ्रीका जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और दूसरी तरफ है भारत, जिनके लिए ये गेम जो है वो डू और डाई होगी, मस्ट विन गेम होगी। जीतेंगे तो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, तो ये जहन में रखना होगा भारतीय टीम को कि इस मैच में आपको अपना बेस्ट देना है। और चाहे आपका टूर्नामेंट उतार चढ़ाव वाला रहा हो, लेकिन हम हमेशा से कहते हैं ना कि आगाज जैसा मर्जी हो, अंजाम जो होता है ना वो अच्छा करना पड़ता है। तो अगर आप टूर्नामेंट का जो आखिरी लीग मैच अपना जीतेंगे तो आप ना केवल सेमीफाइनल में पहुंचेंगे बल्कि वो कॉन्फिडेंस भी लेके जाएंगे। आखिरी मैच में भारत ने बांग्लादेश को हराया था तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली होगा, लेकिन अब सामने है साउथ अफ्रीका, एक ऐसी टीम जो पॉइंट्स टेबल में नंबर दो पे है, जिनका विश्व कप अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेहतरीन विश्व कप रहा होगा। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, ना चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो, और हर बार कोई ना कोई प्रेशर सिचुएशन में, क्रंच सिचुएशन में कोई ना कोई नया सितारा उभर के आया है। साउथ अफ्रीका एक सेटल टीम है, एक जिनके पास कॉन्फिडेंस सिस्टम स्काई हाई होगा वो टीम है। अगर उसको बीट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु मंत्र रख लीजिए कि आप स्कोरबोर्ड पर रन टांग दीजिए, रन्स जो हों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से भारत बड़ा स्कोर कायम करता है तो गेंदबाजी भी निखर के आ सकती है और तब आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन टीम पे। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पे दारोमदार रहने वाला है, स्पेशली टॉप ऑर्डर, स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, पूजा वस्तकर, ऋचा घोष, ने राणा, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो आप उम्मीद करेंगे कि क्राइस्टचर्च पे जो रनों की बारिश है ना वो होती है नजर आए। भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत होगी, क्योंकि आप शुरू में ही अगर अटैक करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप साउथ अफ्रीका को बैकफुट में धकेल सकते हैं। और यही मंत्र मुझे लगता है अपनाना चाहिए भारतीय टीम को, स्पेशली अगर आपके पास स्मृति मंदाना है, शिफाली वर्मा है, उसके बाद यास्तिका भाटिया भी काफी बेहतरीन शॉट्स खेलती हैं। तो अगर आप पावर प्ले का अच्छे से यूज करते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं वो डेंट डालता है गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस में भी, तो वो एक गुरु मंत्र में कहूंगी कि आप दे सकते हैं भारतीय बल्लेबाज को। क्योंकि लास्ट मैच में देखा कि लयमय नजर आई थी शेफाली वर्मा, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। स्मृति मंदाना की बड़ी इनिंग ड्यू है, एक शतक ड्यू है, तो वो भी हम चाहेंगे कि इस मैच में आए जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। मिडल ऑर्डर अच्छा कर ही रहा है, उम्मीद करेंगे मिताली राज का बल्ला बोलेगा, क्योंकि उस खिलाड़ी को आप ज्यादातर खामोश नहीं कर सकते, उनके पास काबिलियत है, उनके पास अनुभव है, और जरूरत है एक ऐसी पारी को जो भारत को न केवल जिताए बल्कि सेमीफाइनल तक भी लेके जाए, तो ये वो मौका भी है और दस्तूर भी है। बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, देखिए एक ऐसी टीम जो क्वालिफाई कर चुकी है, स्काई हाई उनका कॉन्फिडेंस है, और उनकी जो एक मैच विनर है ना, जो मेरी पसंदीदा खिलाड़ी भी है, मैरिसन कैप, देखिए वो जिस तरीके की प्रदर्शन कर रही है ना, गेंदबाजी में भी कभी वो मैच विनिंग स्पेल डालती है, बल्लेबाजी में उन्होंने दो तीन मैच निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक गेम चेंजर हो सकती है साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन उनके पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनिंग, मैं कहूंगी उनको मैच विनर्स कह सकते हैं, मैच विनिंग नॉक्स भी खेली है, जुप्रिया ने अच्छा बल्लेबाजी की, सुने लूज अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, लॉरा वुल्फार्ट ने अच्छी बल्लेबाजी की है, तो उनके पास भी जो है ना बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। लीसा ली उनके पास है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, तो मुकाबला तो डेफिनेटली कांटे का होने वाला है। गेंदबाजी की बात करूँ, मैरिसन कैप अच्छी गेंदबाजी कर रही है, आयबुंगा खाका उनके पास है, तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजी भी टेस्ट होने वाली है। जो प्रेशर अच्छे से हैंडल करेगा, जो सिचुएशन को अच्छे से ट्रीट करेगा, उसका बोलबाला रहेगा। की प्लेयर्स दोनों ही टीम के, सबसे पहले बात करूंगी भारत की, मैं दो प्लेयर के साथ जाऊंगी, बल्लेबाजी में स्मृति मंदाना, क्योंकि ओपनर है, अच्छी लय में है, एक बड़ा स्कोर ड्यू है, और ये परफेक्ट मंच है। इस सिचुएशन में अगर आप रन करेंगे, ना केवल आप जिताएंगे अपनी टीम को, सेमीफाइनल तक भी पहुंचाएंगे, तो स्मृति मंदाना से एक बड़ा स्कोर उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जब जब वो बड़ा स्कोर भी करती है ना, भारतीय टीम बड़ा स्कोर करती है, तो वो एक इनके पीछे एक रीजन है। उसके बाद गेंदबाजी में जुरन गोस्वामी, नई गेंद से ये विकेट लेती है ना, जब 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 ये ओपनर्स को डिसमिस करती हैं या फिर नई गेंद से एक दो विकेट चटकाती हैं, तो जो स्पिनर्स है ना वो और चढ़ के गेंदबाजी करते हैं, और बॉलर्स जो है ना वो मोटिवेट होते हैं। तो स्मृति मंदाना और जुरन गोस्वामी। साउथ अफ्रीका पे आए अगर, तो मैरिसन कैप, देखिए दो बार बन चुकी हैं प्लेयर ऑफ द मैच, और जिस तरीके का उनका ये अभी तक विश्व कप रहा है ना, कि प्लेयर रहने वाली है वो साउथ अफ्रीका के लिए। और साथ में जाना मैं चाहूँगी एक और गेंदबाज है,
शबनम इस्माइल, गति है उनके पास और गति कभी भी दुर्गति लेके आ सकती है, तो उनका स्पेल भी अहम रहने वाला है। बाउंसर्स बड़े अच्छे मारती हैं, तो मुझे लगता है शेफाली वर्मा के पास कल कई बाउंसर्स आने वाले हैं, तो ये शबनम इस्माइल और मैरिजन कैप रहेंगे की प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के लिए। प्लेइंग 11 में भारतीय टीम के लिए मैं एक बदलाव देखना चाहूंगी। मैं चाहूंगी मेघना सिंह अंदर आए पूनम यादव की जगह, क्योंकि देखिए फॉर्म थी, विकेट्स भी ले रही थी और नई गेंद से स्विंग अच्छा कराती है, पुरानी गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, तो इस मैच में आपको अपने बेस्ट 11 उतारने चाहिए, तो इसलिए मेघना सिंह को मैं लेके आऊंगी इन प्लेस ऑफ पूनम यादव। प्रिडिक्शन ना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक तरफ है साउथ अफ्रीका टीम जिनके पास लय है, कॉन्फिडेंस है और पॉइंट टेबल में नंबर 2 पे है, और एक तरफ है भारतीय टीम जिनका उतार चढ़ाव वाला है, विश्व कप रहा है, लेकिन क्या करें, भारतीय है ना, तो दिल तो है हिंदुस्तानी, और मुझे ऐसा लगता है कि मस्ट विन गेम है, डू ऑर डाई सिचुएशन है, और भारतीय टीम इस मैच पे और निखर के आएगी। पिछले मैच का कॉन्फिडेंस भी उनके पास है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ मैं जाना चाहूंगी।